हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन चैनल तो बच्चों इस वीडियो में हम आपके क्लास इलेवेंथ फिजिक्स के चैप्टर ऑसिलेशन के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने जा रहे हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स भी आपके कोर्स में हैं उन सब के फॉर्मुले में आपको रिवाइज करा देता हूं और अगर आपको इस चैप्टर की फॉर्मूला शीट चाहिए या अपने क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ फिजिक्स से रिलेटेड और भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया पी चाहिए तो आप मंदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां पर आपको नोट्स असाइनमेंट्स फॉर्मूला शीट्स और और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी साथ ही मंदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से वहां पर भी ये सब मटेरियल अवेलेबल है और विद टाइम और अपलोड होता जा रहा है दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है शुरू करते हैं तो बच्चों एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है जैसे ये ऑसिलेट कर रहे हैं ये खाली रह गई थी ना स्लाइड मैंने कहा चलो इसमें कुछ ऑसिलेशन के एग्जाम्पल डाल दें रंगीन से ताकि तुम्हें <laughs> देखने में मजा आए या ना आए पर मेरी स्लाइड भर गई तो ये जैसे ऑसिलेशन आपको पता ही है क्या यार फॉर्मुले रिवाइज करने ऑसिलेटरी तो तो मोशन जैसे पेंडुलम करता है या एक ब्लॉक से स्प्रिंग को बांध दिया तो स्प्रिंग करता है तो उसमें पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी यहाँ पे a जो है वो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता है ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है टू पाई डिवाइडेड बाय टी टी जो होता है वो टाइम पीरियड होता है पार्टिकल का टाइम पीरियड मतलब एक पूरे ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है एक ऑसिलेशन मतलब जैसे पेंडुलम यहां से चला फिर इधर गया फिर इधर इधर आया फिर गया, फिर गया वापस यहां आया दैट इज वन ऑसिलेशन उस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है पार्टिकल वो है कैपिटल टी तो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी टू पाई बाई टी तो ये ओमेगा है तो अगर आप निकालना चाहते हो कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी जो एस एच एम कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी तो आप ये इक्वेशन से निकाल सकते हो ए मैंने बता दिया ना ए क्या है ए है एम्प्लीट्यूड एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ठीक है जैसे पेंडुलम आपका ऑसिलेट कर रहा है तो यहां से पेंडुलम पलटा वापस यहां तक जाता जाता यहां से पलटा सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड नॉट योर एम्पलीट्यूड पेंडुलम का एम्पलीट्यूड ठीक है जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको विलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है ये सारे फॉर्मुले आए कैसे हैं उस पर भी मैंने डेरीवेशन का वीडियो बनाया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाकी चैप्टर्स का भी जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब दे दूंगा तो वहां से आप कर लेना जाके ठीक है तो ये हो गया आपका विलोसिटी विलॉस ओमेगा किसी भी बॉडी की जो ऑसिलेशन कर रही है उसकी विलोसिटी डिपेंड करती है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से उस पर क्योंकि वेलोसिटी विद टाइम बदल रही है इसकी ठीक है तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं तो ये वो वाई है हमें निकालना है कि इतनी दूर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी अगर आपको वेलोसिटी का फंक्शन टाइम की टर्म्स में चाहिए तो आप इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर लो तो टाइम की टर्म्स में आपको वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा ए साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी

ए ओमेगा एज इट इज कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा टी का ओमेगा तो एक ओमेगा यहां पे ऑलरेडी है तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया टाइम की टर्म्स में कि इतने टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में यह आता है ए साइन ओमेगा क्या है y है तो हमने ए साइन ओमेगा तो ये आ गया अब v मैक्स क्या होगा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है मीन मीन पोजीशन पोजीशन पे mean position पे y क्या होता है तो इसको जीरो रखेंगे तो v मैक्स का फॉर्मूला आएगा ओमेगा इन टू ए और यहां से ए मैक्स का फॉर्मूला आएगा ए मैक्स नेगेटिव आ रहा ना तो हम मॉड में ले अगर तो ए मैक्स का फॉर्मूला आएगा जब वाई मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है एम्पलीट्यूड तो ये रहा वी मैक्स और ए मैक्स ठीक है अच्छा रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है रिस्टोरिंग फोर्स जो पार्टिकल पे लग रही भाई फोर्स है M, M into A होती है ए का ये फॉर्मूला मैं यहां रख दूं तो ये रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा और आप जानते हो कि रिस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के वाई होती है के जो है उसको फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं और अभी पीछे जो रिस्टोरिंग फोर्स आई वो ये आई अगर आप इन दोनों इक्वेश को कंपेयर कराओ देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के विच इज के इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा अभी पीछे आपको बताया पता ही है आपको पहले से भी कि ओमेगा क्या होता है टू पाई बाई टी होता है तो अगर ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी डाल दोगे तो टाइम पीरियड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मुला मिल जाएगा टू पाई अंडर रूट एम बाई के

एक और फॉर्मूला आपको टाइम का मिल सकता है अगर आप यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालो यहां से माइनस इग्नोर करके ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए बाय बाई और जगह एस एच एम में जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज हो रही है और जो एक्सेरेशन है वो भी लगातार चेंज हो रही है यानी कि ये ना ही तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना ही एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है लेकिन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर डिस्प्लेसमेंट uh, और और ना ही डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है भाई डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो बदल रही है है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और acceleration की जो रेशियो है, वो कांस्टेंट होगी क्योंकि टाइम पीरियड तो कांस्टेंट होता है व्हेन वी इग्नोर द एक्सटर्नल फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन को अगर हम इग्नोर करें ग्राउंड फ्रिक्शन को इग्नोर करें तो टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट होता है जो कि हम कर रहे हैं यहां पे तो इसका मतलब है कि ना ही तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना ही डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है बट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो क्या है constant है ठीक है कांस्टेंट ठीक और ये टाइम पीरियड के दो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी पीछे फॉर्मूला था यानी ये वो यहां पर हमने डाल दिया इसका स्क्वेयर कर दिया तो ये आ गया ठीक है पोटेंशियल एनर्जी फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी पावर में हाफ के वाई स्क्र होता है ठीक है के की ये वैल्यू ये डाल दी यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा ये वाई स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है है ना तो देखो इसमें सारे फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? आ रहे रहे हैं हैं कांस्टेंट ना तो नोट कर लेना बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसके बाद सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो टू पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है और ये रहा पेंडुलम तो एल जो है वो इसकी लेंथ है पेंडुलम की लेंथ कहां से ली जाती है बॉब के सेंटर से पूरा जहां से पेंडुलम जुड़ा हुआ है बॉब के सेंटर से ये पूरा जहां से पेंडुलम जुड़ा हुआ है दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम डिवाइडेड बाय जी अगर सिचुएशन ऐसी हो कि उसमें मोर देन वन फोर्स लग रही है इसकी ऑसिलेशन के लिए तो आप यहां पे जी की जगह क्या लोगे जी इफेक्टिव लोगे जी इफेक्टिव लोगे ठीक है समझ गए जैसे अगर ये बोलता है एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि कार में पेंडुलम लगा हुआ है और कार सर्कुलर टर्न ले रही है तो फिर एक और एक्सेलरेशन हो गई ना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ऐसे सर्कल में कार घूम रही है तो सेंटर की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो गई और एम जी नीचे हो गया तो वी स्क्वेयर बाय आर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इधर और जी इधर तो दोनों का रिजल्टेंट लेके यहाँ डालना

ये स्प्रिंग एक मास यहां पे बांध दिया और उस मास के बांधने की वजह से यह अपनी नेचुरल लेंथ से डेल्टा एल नीचे आ गया वो तो उसने सिर्फ एडजस्टमेंट करी है अपनी <coughs> ठीक है अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अब हमने और खींच के छोड़ा तो ये ऑसिलेट करेगा तो इसका हमने डिराइव किया कि भैया टाइम पीरियड क्या आएगा तो इसका टाइम पीरियड आता है टू पाई अंडर रूट डेल्टा एल बाई जी डेल्टा एल जो इसमें एक्सटेंशन हुआ है मास टांगने से ठीक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स इस तरीके से अगर आप दो स्प्रिंग्स को अटैच कर दो तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है कॉम्बिनेशन का उसका फॉर्मूला अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो फॉर्मूला होता है अपॉन के इक्वल टू अपॉन अपॉन प्लस तीन हो तो प्लस वन अपॉन के थ्री कर देना चार हो तो प्लस वन अपॉन के फोर कर देना ये वही फॉर्मूला है जो रजिस्टर्स के लिए पैरेलल में आता है इसके लिए सीरीज में आ रहा है ठीक है तो टाइम पीरियड क्या होगा भाई टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ से अपन ने के निकाला के आएगा इसका एलसीएम लेके रेसी रेसिप्रोकल करोगे के आएगा k1 k2 by k1 plus k2 तो 2 √m by k की जगह वो डाल दिया तो ये टाइम पीरियड आ गया इस सिस्टम का पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट्स को जस्ट ऐड कर देना है. ये लगे ना दो स्प्रिंग पैरेलल में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको ऐड कर देना है सबको ऐड कर दोगे दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और और उसके बाद आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो एम बाई के डाल के ठीक है जरूरी नहीं है कि सारे सीरीज में या सारे पैरल में हो वो कॉम्बिनेशन भी दे सकता है कि दो पैरल में है और तीसरा सीरीज में यार जैसे रजिस्टर्स में करते थे लेकिन स्कूल लेवल पे उतना जो है वो आता नहीं है क्वेश्चन तो ये सारे फॉर्मुले है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द वेरी